सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा ऑफिस, मेरी पसंद सब उस रोमान की झोली में जाके गिर गया। बड़ी जल्दी थी ना आपको उसकी शादी की, एक बीवी तक तो संभाली जाती नहीं है उसे। मैंने समझाया था तुम्हें, इतना तंग मत करो उसे कि वो भाग जाए। तंग तो करूंगा मैं उसको, मैं उसको तंग तो करूंगा क्योंकि मैं और तो कुछ कर नहीं सकता हूं ना। प्लीज अभी सेल्फ पिटी का शिकार मत हो जाओ, तुम्हारी हरकतों की वजह से हाथ से निकल गई वो। वैसे भी तुम्हें संभालना उसकी मजबूरी थी, कोई खुशी से नहीं कर रही थी वही काम। आपको क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है उससे? कहीं उसके साथ हमदर्दी का ड्रामा करते करते आप वाकई में उसकी हमदर्द तो नहीं बन गई? अस्मा की क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हारी तो अपनी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे साथ हमदर्दी कर। थैंक यू मामा, आज तो आपने भी मुझे माधुरी का ताना दे दिया। थैंक्स। खुद पर काबू रखना सीखो आबान। अस्मा को वापस लेकर आए? नहीं आना चाहेगी तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती उसके साथ। वैसे भी उसे शायद हमारी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी तुम्हें उसकी थी। उसे वादा करें आप उसको वापस लेकर आएंगे, नहीं तो मैं रोमान को वो सब कुछ बता दूंगा जो आज तक हम उससे छुपाती है। ये ब्लैकमेल मुझे मत करना। तुम्हारी वजह से पहले भी एक दो टके की लड़की को अपने सर पे बिठा चुकी हूं मैं, बार बार नहीं होगा मुझसे। मैं सुसाइड कर लूंगा माफ। अबान, ये ब्लैकमेल मुझे मत करना, जो किया है उसे भुगतो। रहमतुल्ला, सर ने ग्लास तोड़ दिया है, ये उठाओ, कोई शीशा रह ना जाए।